10 सितंबर और रात के 9:30 बजे, तारीख और टाइम दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इस दौरान आने वाले हैं कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लेके। देखिए, कपिल 2 महीने के गैप के बाद एक बार फिर से टेलीविजन में वापसी कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगी कि आप इस चीज को मिस करिए। इस बार कपिल के शो में आपको नए लोग नजर आएंगे, घर वाले नए होंगे एक नए किरदार में, और पुराने जो लोग कपिल से जुड़े हुए थे कुछ उठा पटक होने की वजह से वो शो में नहीं नजर आएंगे। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कपिल शर्मा के शो से जुड़ी हुई है। सबसे पहला नाम है कृष्णा अभिषेक का। देखिए, कृष्णा अभिषेक काफी वक्त से कपिल के शो से जुड़े हुए हैं और कई एपिसोड्स उन्होंने कर चुके हैं, लेकिन इस बार शो के मेकर्स के साथ उनकी नहीं बनी। एग्रीमेंट को लेकर कृष्णा अभिषेक नहीं माने। कृष्णा अभिषेक ने कहा कि मुझे इस बार पेमेंट थोड़ी ज्यादा चाहिए, लेकिन मेकर्स नहीं माने, जिसके बाद आपको इस बार कृष्णा अभिषेक नहीं दिखेंगे। प्रोमो भी आ चुका है और उसमें भी कृष्णा अभिषेक नहीं थे, तो इसे तय हो गया कि इस बार कृष्णा अभिषेक आपको नहीं हंसाएंगे। दूसरा नाम है भारती सिंह का। भारती सिंह फिलहाल तो अपनी मदरहुड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही वो सारेगामा पा के शो को होस्ट भी कर रहे हैं, तो शायद इस बार भारती सिंह भी कपिल शर्मा शो में नहीं नजर आएंगी उनके स्केड्यूल के वजह से। तीसरा नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू आप तो जानते हैं, एक दौर था जब नवजोत सिंह सिद्धू कपिल शर्मा शो में एज अ जज दिखाई देते थे, लेकिन एक दिन एक राजनीतिक कमेंट उन पर इतना भारी पड़ गया कि उनकी कुर्सी ही चले गई और उनकी कुर्सी पर बैठ गई अर्चना पूरन सिंह। और आपने देखा होगा नए प्रोमो में अर्चना पूरन सिंह उसी अंदाज में नजर आ रही है। चौथा नाम है अली असगर का। अली असगर भी शायद इस बार इस शो में नहीं नजर आएंगे। अली असगर ने साल 2016 में एक शो छोड़ा था ये कहते हुए कि देखिए, बार बार कभी तो मैं दादी का रोल कर रहा हूँ या कभी तो मैं नानी का रोल कर रहा हूँ, मुझे कुछ और भी तो क्रिएटिव करने दीजिए, लेकिन मेकर्स नहीं माने, जिसके बाद उन्होंने 2016 में ये शो छोड़ा था। अब वो किस किरदार में नजर आते हैं या नहीं आते वो तो आगे चल के पता ही चलेगा। आखिरी नाम है सुनील ग्रोवर का। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया जब दोनों की दोस्ती टूट गई। कहा जाता है कि एक पार्टी में कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर को थप्पड़ मारा था और सभी के सामने उन्हें जलील भी किया था, जिसके बाद दोनों ने बातें बिल्कुल बंद कर दी थी। इस दोस्ती और दुश्मनी को ठीक करने के लिए कई सेलिब्रिटी भी बीच में आए, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। उसके बाद कहा जाता था कि शायद सुनील ग्रोवर कपिल के साथ कभी काम नहीं करेंगे। आपने सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा के शो में कभी गुत्थी तो कभी डॉक्टर गुलाटी बने हुए देखा होगा। अब इस नए शो में सुनील ग्रोवर नजर आते या नहीं आते वो तो वक्त बताएगा। तो ये थी कपिल शर्मा शो से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी। और हाँ, आप कितने एक्साइटेड हैं इस नए सीजन के लिए हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। एंटरटेनमेंट की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।